सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेट खोलने को लेकर पार्षदों ने सौंपा ज्ञापन, अनियमितता सुधारने की कही बात, बांदीकुई। राजस्थान सरकार द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों का खोलने का समय प्रातः 8 बजे का है, पर बुधवार को राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बांदीकुई भी समय पर नहीं खोलने को लेकर पार्षद महेंद्र दैमन के नेतृत्व में पार्षदों ने विरोध प्रकट करते हुए अस्पताल में BCMHO की अनुपस्थिति में प्रशासनिक अधिकारी ईश्वरलाल को ज्ञापन सौंपा और ज्ञापन में बताया कि अस्पताल 8:30 बजे से 9:15 बजे तक खुलता है, जो कि सरकार के आदेशों का स्पष्ट उल्लंघन है। बाहर से आने वाले मरीजों को घंटों इंतजार करना पड़ता है, इसके साथ ही आने वाले मरीजों को पर्ची कटाने के लिए भी लंबी लाइन लगानी पड़ती है, जिसका प्रमुख कारण पुरुष, महिलाओं व दिव्यांग व बुजुर्गों की लाइन अलग ना होना एवं पर्ची काउंटर पर कर्मचारियों का ना होना, जिसके कारण अस्पताल परिसर में भीड़ हो जाती है, जिससे कोरोना गाइडलाइन का स्पष्ट उल्लंघन होता है। गंभीर व दिव्यांग मरीजों के लिए व्हील चेयर व अन्य व्यवस्थाएं नहीं है अस्पताल में, जिससे रास्ता भी अवरुद्ध रहता है, जो कि मरीजों के लिए काफ़ी तकलीफदेह होता है। बारिश के बाद मौसमी बीमारियों का प्रकोप इन दिनों बढ़ता जा रहा है, जिसमें डेंगू मलेरिया के रोगी का आना भी शुरू हो गया। अतः मॉनिटरिंग के लिए निगरानी कमेटी बनाकर क्षेत्र में छिड़काव कराया जाए तथा अति आवश्यक बैठक बुलाकर रोकथाम की आवश्यक दिशा निर्देश दिए जाएं। पीएम केयर फंड से बन रहे ऑक्सीजन प्लांट को अति शीघ्र चालू कराया जाए, ताकि कोरोना वायरस संबंधित किसी भी परिणाम का मुकाबला करने के लिए अस्पताल प्रशासन तैयार रह सके। वहीं पार्षद महेंद्र दैमन ने बताया कि 7 दिवस में अव्यवस्थाओं का सुधार नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में पार्षदों की ओर से कोई ठोस कदम उठाया जाएगा। बाइट पार्षद महेंद्र दैमन। क्या मामला है सर? बांदीकुई स्वास्थ्य केंद्र में अव्यवस्थाओं का आलम बहुत ज्यादा है, उसका परिणाम आज देखने को मिला। सुबह 8:30-9 बजे तक हॉस्पिटल नहीं खुला, जबकि सरकार ने, राज्य सरकार ने 8 बजे के निर्देश दे रखे हैं कि 8 बजे तक हॉस्पिटल, 8 से 2 बजे तक हॉस्पिटल खुलता है, उसके लगा रहता है। अव्यवस्थाओं का आलम इतना ज़बरदस्त इस बांदीकुई CSC में ख़राब है कि यहाँ इतनी ज़बरदस्त भीड़ लगती है। मरीजों के 3 काउंटर 4 काउंटर होने चाहिए पर्ची बनाने के, उसमें भी केवल 1 या 2 काउंटर पर ही आदमी बैठते हैं, तो कोरोना गाइडलाइन का कोई पालन नहीं होता है। दिव्यांग और गंभीर पेशेंटों को स्ट्रेचर और व्हील चेयर पर नहीं ले जाया जा सकता। समय पर अस्पताल नहीं खुलना, मरीजों का प्रॉपर इलाज नहीं होना, काफ़ी गंभीर सवाल काफ़ी दिनों से मेरे दिमाग में थे। मौसमी बीमारियां शुरू हो गई है, मौसमी बीमारियों में भी डेंगू और मलेरिया के निरंतर रोगी बढ़ते जा रहे हैं, उसके लिए फॉगिंग की व्यवस्था, DDT पाउडर छिड़काव की व्यवस्था करवाने के लिए एक BCMHO साहब को ज्ञापन देने के लिए आए थे, ताकि इन सभी व्यवस्थाओं को बांदीकुई में ही नहीं, पूरे बांदीकुई विधानसभा क्षेत्र में जितने भी CSC, PSC है, उन सभी स्वास्थ्य केंद्रों में ये सारी व्यवस्थाएं तुरंत शीघ्र लागू करें। राज्य सरकार का बहुत बड़ा फंड इस चीज पर खर्च होता है, लोगों को सुविधा नहीं मिलेगी तो फिर वो अस्पताल आके क्या करेंगे। सर, क्या मांग की है आज अस्पताल बंद मिलने के बाद में आपने? हमने ये मांग की है कि जो भी इसमें जिनकी भी नेग्लिजेंसी पाई जाती है, उन लोगों को तो आप अस्पताल परिसर में, अस्पताल से बाहर करें। ऐसे लोग जो कि मरीजों को कोई सुविधा नहीं दे सकते, जहां सरकार ने इतना पैसा खर्च करके अस्पताल बना रखे हैं मरीजों की सुविधा के लिए, जब उनको आने में 2-2 घंटे इंतजार करना पड़े, 1.5 घंटे इंतजार करना पड़े, तो क्या फायदा ऐसे हॉस्पिटल खुलने से। आपका नाम? महेंद्र दैमन, पार्षद नगर।